हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप सब, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और ये मेरी पिछला वीडियो मेरा यहाँ तक था कि जब बाहर निकल रहे थे दौरा लेकर, तो ये देखिए यहाँ है, हम लोग सब जा रहे थे शाम का। ये अरे का है क्लिप मेरा, पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग इसे शेयर कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग एक बार में बोर हो जाओगे इसीलिए। और बाहर म्यूजिक चल रहा था तो थोड़ा सा इसको साउंड को कम करना पड़ा। और ये बाहर देखिए, बाहर घाट पे जाने का रास्ता कितना गंदा रास्ता है इधर का, तो ये देखिए। और ये छठ पर्व नहीं, महापर्व होता है इसे, हम लोग ना महापर्व कहते हैं, और बहुत ही नियम और श्रद्धा से किया जाता है ये पर्व। नहीं देखिए, और घाट पे हम लोग थोड़ा देर में पहुंच जाते हैं, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं था। और इधर गुपचुप देख देख के नंदिनी को बोल रही है, बेटी मेरी सब चीज़ लगा हुआ है मेला, और सब चीज़ का लगा हुआ है। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कुछ पुलिस कर्मचारी भी तैनात थे यहाँ पे। देखिए, डर से मैं उधर कैमरा नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा था कैसे ना कोई बोलने लगे। और बहुत अच्छा सुविधा था यहाँ पे हर चीज़ का, और बहुत ज़्यादा भीड़ था, मुझे उम्मीद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे था, मुझे नहीं पता था कि इतना भीड़ होगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये देखिए हेलीकॉप्टर था, इससे हेलीकॉप्टर से ना फूल बरस रहे थे, सारे लोग ऊपर से फूल फेंक रहे थे, पूरा घाट पे फूल फूल हो गया था। तो वही मैं दिखाने लगी थी, ये इसमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा है मतलब, लेकिन हम लोग को नज़र आ रहा था, फूल था चारों तरफ से, मतलब गेंदा का फूल था, छोटा छोटा करके सब फेंक रहे थे ऊपर से, तो वही देख रहे थे सारे लोग, बहुत हल्ला करने लगे थे, सब चिल्लाने लगे थे। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे समझ में नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या क्या बताऊँ आप लोग को। और हर जगह का अलग अलग नियम होता है ना। ये देखिए हेलीकॉप्टर, देखिए और ये सबका अपना अपना यहाँ पे ना घाट पर बेदी बनाते हैं यहाँ पे लोग। और मेरे मायके में मेरी मम्मी जब करती थी छठ ना, तो सब मेरी मम्मी जब थी करती थी छठ ना करती थी तो आंचला में बालू, नदी में से ही बालू निकाल कर वेदी बनाती थी। बट यहाँ पे देखिए सारे लोग का अपना अपना ऐसा वेदी बना हुआ है घाट पे, लोग बनाए बनाए हैं, बोल रहे थे, बता रहे थे। और मेरा पता नहीं स्टोरेज कैसे फुल हो जा रहा है कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, नो स्पेस लिख रहा है बार बार, पता ही नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ। खैर छोड़िए, ये सब बाबू भी अभी थोड़ा सा पोटी कर दिया और ये देखिए, ये जो बाबू है ना, आंटी जी का पोता है, इसी का आज मुंडन था तो बाल कटाया था, तो बहुत रो रहा था, उसका भी क्लिप डाल दूंगी अभी, बट अभी नहीं, अगले ब्लॉग में। तो आज ये शाम का क्लिप है, मेरे शाम का रखा।
और ये देखिए बाबू बार बार मेरा नेकलेस से ही खेल रहा था, पकड़ के खींच रहा था। मैं इसको उठका रही थी कि सब उखाड़ देगा, उखाड़ देगा मेरा। और बस बहुत मस्ती किया ये शाम के टाइम, और सुबह मुझे परेशान करके रख दिया घाट पर, बहुत सारा परेशानी हुई। और ये देखिए सारे लोग ऐसे स्नान कर करके अर्घ दिया जाता है सूरज भगवान का। हर जगह का अपना अलग अलग परंपरा होता है ना। और इधर गाना बज रहा था ना, जिसके वजह से थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ा है, वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये है, सब बगल वाली ही हैं, सब बगल में ही रहती हैं, आसपास में सब पड़ोसी हैं ना, तो आप सब भी थोड़ा बहुत इंजॉय कीजिए। नदी है, नदी आवाज जा नहीं रहा है। एक मुस्कान। और यहाँ पे ऐसे ही नदी में सारे लोग, सारे पर्वतीय लोग, जो लोग मतलब व्रत करती हैं या करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, तो ऐसे ही खड़ा रहकर थोड़ा देर तक भगवान सूर्य की आराधना किया जाता है। मतलब अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती है ना, जिसकी पूरी हो जाती है वो लोग अपना धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही खड़ी होकर सूर्य भगवान की आराधना में रहते हैं, लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान देते रहते हैं। तो आप सब भी कुछ कुछ मांग लीजिए, छठी मैया सबकी भी पूरी करें, है ना। और ये देखिए फिर सारे लोग यहाँ पे वेदी पे आ गए थे, और वो अभी वहीं पे थी खड़ी। फिर कुछ देर में फिर अपना अपना सूप का जो प्रसाद होता है वो ले जाकर दिया जाता है। और ये देखिए बाबू ने यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहा था, जैसे सब मतलब प्रसाद था ना, तो सब देख देख के उछल रहा था, केला सेब ऑरेंज संतरा ये सब देख देख करके ना ये उछल रहा था, देख रहा था। और ये हैंकी लिया है ना, बस इतना ही देर तक हैंकी मुझे पता चला, पता ही नहीं चला कि हैंकी किधर चला गया। ये देखिए ऐसे इसको लग रहा था ना कि पता नहीं क्या है, देखिए टंग निकाल रहा था, देख देख के पूरा मस्ती कर रहा था। हमको तो बहुत हंसी आया था, तो मैंने थोड़ी सी इसकी भी क्लिप ले ली थी। तो बस मेरी वीडियो आज की इतना ही तक है, और इसके बाद अगला भी और इसका सुबह का भी ब्लॉग डाल दूंगी। फिर इसके बाद इसी के बाद रात में कोसी भराता है, तो हम लोग का कोसी घाट पर ही भराता था, बट यहाँ सब घर पे कोसी भरे थे, तो उसका भी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। तो अभी नहीं ऐड करूंगी, मतलब शाम तक देखूंगी, तो न तो रात तक छोड़ूंगी वो ब्लॉग। बस इतना ही तक मेरा आज का ब्लॉग। मैं क्या करूँ, मेरा स्टोरेज फुल हो जा रहा है। चलिए ठीक है, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। बाय बाय, आप सबको फिर से हैप्पी छठ पूजा।